हेलो स्टूडेंट्स तो अब आपकी वर्कशीट अगली वर्कशीट आ गई है वर्कशीट नंबर ट्वेंटी टू ये आपकी पच्चीस अगस्त की वर्कशीट है सोशल साइंस की ज्योग्राफी की ये वर्कशीट है तो ज्योग्राफी में हम नया एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसकी ये वर्कशीट है तो इस वर्कशीट के बाद हम इंग्लिश की वर्कशीट भी करेंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही हम आप अगली वर्कशीट अपलोड करें आपको इमीडिएटली पता चल जाए तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस वर्कशीट में क्या है तो आपकी ये जो वर्कशीट है ये फार्मिंग के ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर है तो यहाँ पर तीन तरह की फार्मिंग के बारे में बताया गया है ये वर्कशीट हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे मैं कुछ देर के लिए आपको इंग्लिश की वर्कशीट दिखा देती हूँ फिर हम सेम डिस्कशन हिंदी वर्कशीट में भी करते हैं फिर यहां पर जो तीन तरह की एग्रीकल्चर या फार्मिंग दिखाई गई है बात की गई है वो है पहली है अर्ली सबसिस्टेंस फार्मिंग तो अर्ली सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में बताया गया है ये इट इज डन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड बहुत छोटे से एरिया में छोटे क्षेत्र में ये की जाती है इट इज डन विद एंशियंट टूल्स लाइक कुढ़ाली हसिया खुरपा एट्सट्रा एंड फैमिली मेम्बर्स तो जो पुराने तरह के टूल्स हैं उनको यूज करते हुए जैसे कि खुरपा हसिया उनको यूज करते हुए और जो घर के ही लोग हैं वही मिल बाट कर ये फार्मिंग करते हैं और फार्मर्स डिपेंड ऑन रेनफॉल एंड सॉइल फर्टिलिटी तो फार्मर्स जो है वो वो मौसम पर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि बारिश कब होगी और सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है कितनी उपजाऊ जमीन है उसी पर ही उनकी फार्मिंग जो है है। वो निर्भर करती है। फिर दूसरी तरह की फार्मिंग है इंटेंसिव लाइवलीहुड। इसमें इट डन ऑन लार्ज तो ये होती है यहाँ पर मॉडर्न मशीन हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं तो इंटेंसिव लाइवलीहुड में लेटेस्ट जो मशीन है मॉडर्न मशीन है उनका प्रयोग होता है साथ ही साथ ऐसे बीज यूज किए जाते हैं जिनमें से फसल बहुत अच्छी हो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है कनाल्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन तो इरिगेशन के लिए वहां पर नहरों का और ट्यूबवेल का यूज होता है वहीं कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है जहां पर मॉडर्न सीड्स पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर यूज होते हैं बिल्कुल लेटेस्ट हाइब्रिड सीड्स भी यूज हो सकते हैं प्लांटिंग एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर तो कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है प्लांटिंग एग्रीकल्चर agri या फिर प्लांटेशन बड़े बड़े लेवल uh, पे जो प्लांटेशन होता है वो एग्रीकल्चर इसमें सिंगल क्रॉप इज सोन ऑन अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ लार्ज कैपिटल एंड वर्कर्स तो एक ही तरह की क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है और बहुत बड़े लेवल पे इसमें कैपिटल यूज होता है और बहुत बड़े लेवल पे इसमें वर्कर्स जो है जो काम करने वाले लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं टी कॉफी रबर शुगर केन बनाना इन सब का जो है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में होता है इट इज इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री तो एकदम एग्रीकल्चर जो मेन फार्मिंग और एक हाई लेवल की जो इंडस्ट्री है उन दोनों के बीच का ये कनेक्शन जो है कमर्शियल एग्रीकल्चर बिठाता है अब सेम चीज़ मैं आपको हिंदी में भी जल्दी से दिखा देती हूँ हिंदी की वर्कशीट में भी यही है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो होती है वो भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है प्राचीन औजारों से की जाती है और किसान जो है वो वर्षा और मृदा यानी मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करता है इसमें फिर अगला आपको बताया गया था गहन जीविका कृषि ये बड़े फार्म पर बड़े खेत में की जाती है इसमें आधुनिक मशीनों का उच्च उत्पादकता वाले बीजों का रासायनिक रस, खाद का कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है इसमें सिंचाई के लिए नहरों और नलकूपों का प्रयोग किया किया जाता है वहीं फिर कमर्शियल एग्रीकल्चर वाणिज्य कृषि जो है यह कृषि उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक बीजों कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है इसमें साथ ही साथ रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है तो एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको बताया प्लांटेशन एग्रीकल्चर रोपण कृषि भी इसका एक एग्जाम्पल है इसमें बड़ी पूंजी और श्रमिकों की सहायता से कृषि के एक बड़े भू भाग पर बहुत बड़े एरिया पर एकल फसल फसल बोई जाती है मतलब एक ही फसल बोई जाती है चाय कॉफी रबड़ गन्ना और केला जो है ये रोपण कृषि है यह कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करता है तो इन दोनों के बीच का जो जो कनेक्शन बिठाता है वो ये कमर्शियल एग्रीकल्चर करता है साथ ही साथ इस वर्कशीट में आपको तीन तरह की फसलों के बारे में बताया गया है तो यहाँ पर कितनी तरह की अलग अलग तरह की जो फसल होती है क्रॉप्स होती हैं। तो पहली जो क्रॉप आपको बताई गई है वो है रबी फसल रबी क्रॉप तो ये जो फसल है ये शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है तो ये विंटर सीजन की ये क्रॉप है जो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बोई जाती है और अप्रैल से जून के बीच में काटी जाती है तो अप्रैल से जून के बीच में इसको काटते हैं तो ये कौन कौन सी फसलें होती हैं इनमें आती हैं जैसे गेहूं जौ चना मटर और सरसों तो ये प्रमुख रबी फसलें हैं साथ ही साथ ही कौन से एरिया में मिलती हैं तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य हमारी कंट्री के जैसे कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं तो यहाँ पर ये रबी फसलें बहुत उगाई जाती हैं फिर एक और तरह की फसल है वो है खरीफ फसल खरीफ क्रॉप बोलते हैं इसको इंग्लिश में तो खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मॉनसून के आगमन के साथ बोई जाती है तो जैसे ही मॉनसून आ जाता है वैसे ही खरीफ क्रॉप बोने लगते हैं ऐसा क्यों है कि ये मानसून में उगाई जाती है क्यों क्योंकि ये फसलें ऐसी होती है जिन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है अपने बढ़ने के लिए तो इसलिए ये मानसून के आने के साथ ही इन्हें उगाया जाता है और ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में काटी जाती हैं। तो ये कौन कौन सी फसलें हैं ये हैं चावल मक्का ज्वार बाजरा तूर, और अरहर की दाल जो होती है मूंग उड़द कपास कॉटन जूट मूंगफली और सोयाबीन जो है वो प्रमुख खरीफ फसलें हैं तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके चावल की खेती मुख्य रूप से असम पश्चिम बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु केरल और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में की जाती है तो ये कुछ एरियाज भी हैं जहां पर ये uh, की जाती है ये इसकी फसल उगाई जाती है वहीं तीसरी तरह की आपको फसल क्रॉप बताई गई है वो है जायद फसल जैद क्रॉप ये रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है तो ऐसा नहीं होता कि हम खेतों में बैक टू बैक जो है मतलब एक के बाद एक हम फसलें उगाते चले एक बार रबी एक बार खरीफ ऐसा नहीं होता है बीच में हमें ऐसी फसलें भी उगानी होती हैं जिससे कि सॉइल जो है जो मिट्टी जो है उसमें वो वापस से फर्टिलाइज हो जाए मिट्टी जो है उसके न्यूट्रिय जो है वापस से रिस्टोर हो जाए ताकि अगली जो फसल उगेगी उसमें वो अच्छी फसल उग पाए तो इसलिए इसके बीच में ये खरबूज तरबूज खीरा जो मेलन है वाटर मेलन है कुकुम्बर है इन सभी को उगाया जाता है ताकि अः सॉइल को भी मिट्टी को भी इस एरिया को भी फार्म को भी थोड़ा सा ब्रीदर मिल सके थोड़ा सा बीच में आराम मिल सके तो ये जो जायद फसलें हैं ये रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में उगाई जाती हैं। तो यही थी आपकी ज्योग्राफी की आज की वर्कशीट इस पे बेस्ड आपके चार क्वेश्चन हैं जल्दी से इन क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले तीन जो क्वेश्चन है मैं उनको यहाँ पर अभी बता देती हूँ उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो मैं आपको इंग्लिश की वर्कशीट के साथ ही हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताऊंगी तो पहला प्रश्न है आपका अपने घरों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख रबी खरीफ और जायद फसलों की सूची बनाइए तो आपको यहाँ से एग्जाम्पल दिखी गए होंगे तो आपके घरों में इनमें से कौन कौन सी फसलें यूज की जाती है उपयोग की जाती है उनकी लिस्ट आपको बनानी है तो मेरे घर में रबी जो फसलें हैं मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ तो ये जो है ये रबी फसलें हैं ये सभी मेरे घर में है गेहूं जौ चना मटर और सरसों ये यूज किए जाते हैं खरीफ जो फसलें हैं वो है चावल मक्का ज्वार बाजरा तुअर अरहर की दाल जिससे सांबर बनता है मूंग उड़द कपास कॉटन भी यूज होता है हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं जूट के हम बैग लाते हैं मूंगफली सोयाबीन ये सभी यूज होता है तो मेरे घर में ये सभी यूज होता है साथ ही साथ गर्मियों में हम खूब अभी खरबूज तरबूज और खीरा आदि खाते हैं तो ये जो यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मेरे घर में तो ये सभी यूज होता है आपके घर में इनमें से क्या क्या उपयोग होता है उसकी आपको सूची बनानी है और इसके अलावा भी अगर अगर आप कोई फसल जानते हैं या आपके माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी ऐसी कोई फसलें जानते हैं जिनका प्रयोग होता है तो आप उनसे बात करके जरूर यहाँ लिख सकते हैं तो यही आपका उत्तर एक है अब चलते हैं आपके प्रश्न दो पर प्रश्न दो आपका कहता है अपने घरों में उपयोग की जाने वाली रोपण कृषि से संबंधित किन्हीं तीन फसलों के नाम लिखिए तो आपके घर में कौन कौन सी रोपण कृषि की फसलें यूज होती हैं तो रोपण कृषि हमने अभी डिस्कस किया था क्या होता है रोपण कृषि वो होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये वाणिज्यिक कृषि में हमने इसका डिस्कशन किया था एग्जाम्पल यहाँ है तो एग्जाम्पल में क्या क्या है चाय कॉफी रबड़ गन्ना और केला तो इन पांच में से कोई भी तीन आप लिख सकते हैं कि आपके घर में से इनमें से कौन कौन सा यूज हो सकता है हो सकता है आपके घर में कॉफी ना बनती हो तो आप चाय गन्ना और केला लिख सकते हैं या अगर कॉफी बनती है तो आप कॉफी भी लिख सकते हैं तो इनमें से आप कोई भी लिख तीन जो है यहाँ पर उत्तर दो में लिख सकते हैं तो अब तीसरा है आपका गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तो गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है ये जो दूसरा वाला ये कॉलम है तो ये जो है ये तीनों पॉइंट्स आपको उत्तर तीन में लिखने हैं हमने अभी डिस्कस किया गहन जीविका कृषि कौन सी होती है तो ये यहां पर ये उसके पॉइंट्स है ये आप उत्तर तीन में लिखेंगे प्रश्न चार आपका जल्दी से देख लेते हैं उसका उत्तर मैं अभी जब इंग्लिश की वर्कशीट डिस्कस करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी तो भारत में खेती एक जुआ है क्या आप इस बात से सहमत हैं अपने उत्तर के पक्ष में दो तर्क दीजिए तो आपको ये बताना है कि भारत में खेती जो है वो जुआ क्यों है तो उसके पक्ष में आपको दो रीजन बताने हैं मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश की वर्कशीट भी दिखा रही हूँ बिल्कुल सेम है देख लीजिए कि ये राबी क्रॉप है यहाँ पर यहाँ पे खरीफ क्रॉप के बारे में बताया गया है और यहाँ पर जैद क्रॉप के बारे में बताया गया है अब इसमें क्वेश्चन वन का आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन फोर का आंसर मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में ही दिखाऊंगी तो क्वेश्चन वन का आंसर है मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर रबी खरीफ एंड जायद क्रॉप्स यूज इन योर होम तो जैसे मैंने आपको बताया ये रबी क्रॉप्स है तो मेरे घर में ये सभी होती हैं तो मैं यहाँ ये यह लिख सकती हूँ आपके घर में इनमें से क्या क्या होता है आप लिख सकते हैं वहीं राइस में ज्वार बाजरा तूर मेरे घर में भी ये सब यूज होता है आप लिख सकते हैं आपके घर में जो जो होता है और ये जो है ये जैद क्रॉप है इनमें से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपके घर में क्या क्या यूज होता है तो ये आपका आंसर वन है क्वेश्चन टू है आपका राइट द नेम्स ऑफ एनी थ्री क्रॉप्स रिलेटेड टू प्लांटिंग एग्रीकल्चर यूज्ड इन योर होम तो आपके घर में इनमें से कोई भी तीन जो यूज होते हैं वो आपको लिखना है टी कॉफी रबर शुगर केन या बनाना में से कोई भी तीन आपको लिखना है अब क्वेश्चन थ्री है व्हाट आर द सेलियन फीचर्स ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के कौन से सेलियन फीचर्स हैं ये हैं ये भी मैंने आपको डिस्कस किए थे इस वर्कशीट में ये तीनों जो है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के सेलियन फीचर्स हैं आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका फार्मिंग इन इंडिया इज अ गैम्बल खेती जो है वो हमारी कंट्री में इंडिया में भारत में एक जुआ है डू यू अग्री विद दिस आपको यहाँ पर दो रीजंस देने हैं तो हम यहाँ बता देते हैं हमने यहाँ पर कौन से दो रीजंस लिखे हैं आप चाहें तो यहाँ अपने रीजन्स भी लिख सकते हैं तो हमारे हिसाब से फार्मिंग इन इंडिया इज अ गैम्बल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन वो रीजन है कि पहला रीजन ये है कि फार्मिंग जो है हमारी कंट्री में वो सीजनल रेनफॉल पर डिपेंडेंट है क्योंकि हर जगह पर प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं है और साथ ही साथ इतना ज़्यादा काम करने के बाद तमाम मेहनत के बाद भी हार्डवर्क के बाद भी फसलों के बिकने की कोई गारंटी नहीं होती है हमारी कंट्री में क्यों क्योंकि हमारी कंट्री में अभी भी जो छोटे लेवल के जो किसान हैं उनके लिए सिक्योरिटी नहीं है उनके लिए सुरक्षा नहीं है कि वो जो भी फसल उगाएंगे वो अच्छे से बिक जाएगी और साथ ही साथ अगर वो नहीं बिकी उनकी उपज अगर उपज की बिक्री नहीं हुई तो फिर क्या होगा तो ऐसी कोई हमारी देश में जो है उचित सरकारी व्यवस्था नहीं है तो इन दो कारणों से जो है वो एक खेती जो है वो एक जुए की तरह हो जाती है कि तुक्का लग गया तो भाई सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और अगर तुक्का नहीं लगा या कोई भी दिक्कत आ गई उस उस साल में बारिश नहीं हुई या उस साल में मिट्टी अच्छे से उपजाऊ नहीं हो पाई या उस साल में ठीक से बिक्री नहीं हुई तो फिर वो तो फिर उस पूरा साल आप बिल्कुल ही बहुत ही बुरी स्थिति में रहेंगे तो ये सारे कुछ रीजन है जिनकी वजह से खेती जो है इंडिया में एक जुए की तरह है अब आगे चलते हैं आपकी इंग्लिश की वर्कशीट में इकोनॉमिक्स की वर्कशीट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में इंग्लिश की वर्कशीट अब देख लेते हैं तो इंग्लिश की जो वर्कशीट है आपकी वो है अगेन वर्कशीट नंबर ट्वेंटी टू पच्चीस अगस्त की वर्कशीट है इस वर्कशीट में आपको एक पोयम दी गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छी पोयम है बहुत ही इमोशनल uh, पोयम है अगर आप इसे अच्छे से समझें तो ये जो पोयम है ये है टाइगर्स के ऊपर तो टाइगर्स के बारे में कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए गए हैं और उसके बाद फिर पोयम भी आपको दिखा दी जाएगी तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है टाइगर्स के टाइगर्स आर वेरी गुड स्विमर्स वो बहुत अच्छा तैरते हैं दे हंट अलोन एट नाइट तो टाइगर्स जो हैं वो रात को शिकार करते हैं और वो भी अकेले शिकार करते हैं टाइगर्स कैन ईजिली जम्प ओवर फाइव मीटर्स इन लेंथ तो बहुत ही आसानी से वो पाँच मीटर से के ऊपर से भी वो कूद लगा सकते हैं इट्स हैबिटेट और होम इज द वाइल्ड फॉरेस्ट तो टाइगर कहाँ पर रहता है जैसे आपका घर जो है वो आपका घर है सिटी में है या गांव में है वो आपका घर है उसी तरह से टाइगर्स का घर कहाँ होता है वो घने जंगलों में वाइल्ड जंग, फॉरेस्ट में होता है कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ zoo? इन तो अगर एक चिड़िया घर में एक टाइगर है क्या वो ये सब कर सकता है क्या वो रात को शिकार कर सकता है क्या वो इतनी आराम से इधर उधर कूद सकता है क्या वो जंगल में रह सकता है जो एक्चुअल उसका घर है तो इमेजिन कीजिए कि आपको अपने घर में से निकाल कर और एक चिड़िया घर में एक बंद पिंजरे में आपको डाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा तो ये जो पोयम है वो इसी के ऊपर इसी थीम पर बेस्ड है और बहुत अच्छी पोयम है ये बहुत इमोशनल पोयम है ये तो पोयम का नाम है अ टाइगर इन द जू और ये किसने लिखी है ये लिखी है लेस्ली नॉरिस ने सो so, इसकी पोएट है लेस्ली नॉरिस तो ये आपके स्टैंडा है वन टू थ्री फोर और फिर फाइव तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि इस पोएम में क्या है तो पहले स्टैंडा से शुरू करते हैं He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage तो जो टाइगर जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है उसकी जो स्ट्राइप्स हैं अगर आपने टाइगर देखा है नहीं देखा है तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो ये जो लाइनें बनी हुई इन्हें स्ट्राइप्स बोलते हैं तो ये जो स्ट्राइप्स हैं उसकी बॉडी पर ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं और ये बिल्कुल विविड है बिल्कुल अच्छे से नजर आ रही है और ये अपनी विविड स्ट्राइप्स में जो है जो उसके पिंजरे की छोटी सी जो जगह है उसमें ये चल रहा है टहल रहा है किस किस पे टहल रहा है वो अपने पैरों पर ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब कि जो उसके पाओ है पॉज जो है उसके ये जो सॉफ्ट से वेलवेट की तरह बिल्कुल ही सॉफ्ट से जो उसके पैर हैं उन पर ये चुपचाप जो है वहां पर अपने पिंजरे के अंदर चल रहा है इन हिज क्वाइट रेज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपना शांत उसका जो है गुस्सा है तो वो बहुत ही अंदर 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 जैसे कुड़ रहा है अंदर अंदर बहुत ही उसमें गुस्सा है और चुपचाप उस गुस्से में वो अपने छोटे से पिंजरे में इधर से उधर चल रहा है तो ऑब्वियसली वो क्यों गुस्सा है वो भी हम बता देते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेर डियर पास तो उसको कहाँ होना चाहिए अभी तो उसको इतना गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे होना चाहिए अभी फिलहाल उसे रात को अंधेरे में बिल्कुल यूं छुपते हुए घास के बीच में से स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब कि घास के बीच में से सरकते हुए छिपचि छिपते छिपाते निकलते हुए उसे अः की तरह आ, परछाई की तरह निकलते हुए उसे अ वहां पर छुपे होना चाहिए क्यों छुपे हुए होना चाहिए क्यों क्योंकि उसे पता है कि रात को वाटर होल वाटर होल में एक प्लम्प डियर मतलब कि अच्छा अच्छा खासा मोटा अच्छा बहुत ही अच्छी हेल्थ वाला जो है हिरण जो है वहां पर आएगा पानी पीने के लिए तो वाटर होल क्या होते हैं तो फॉरेस्ट में क्या होता है कि छोटी छोटी जगह होती हैं जिनके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर जो जंगली जानवर जो है वो वहाँ आकर पानी पीते हैं तो उसे वाटर होल बोलते हैं तो जो ये जंगली जानवर जो होते हैं शेर चीते जो होते हैं ये जो है ज्यादातर वाटर होल के पास छुप कर शिकार करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जो बाकी जानवर हैं जैसे कि हिरन वो वहां पर आकर पानी जरूर पिएंगे तो टाइगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है अपने पिंजरे में और चुपचाप जो है अपने अंदर ही अंदर वो गुस्से में उबल रहा है क्यों क्योंकि उसे पता है कि फिलहाल उसे वहां वाइल्ड फॉरेस्ट में अपने जो अ वहां पर जो हिरण है उसको पकड़ते हुए वहां पर उसकी उस पर अटैक करने के लिए शिकार करने के लिए उसे वहां पर छुपा हुआ होना चाहिए था थर्ड चाज आपका कहता है तो कहा होना चाहिए था उसको यहाँ उसको इसलिए भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि या तो उसे यहाँ अपने डियर को पकड़ते हुए हिरण को पकड़ते हुए होना चाहिए था या फिर उसे अभी जो अम्म बिल्कुल जो फॉरेस्ट के जंगल के बिल्कुल कॉर्नर पे जो गांव है वहां पर उसके आसपास उसे जोर जोर से दहाड़ते हुए स्नान करते हुए उसे वहां घूमते होना चाहिए था ताकि उसके जो बड़े बड़े व्हाइट फैंग्स हैं बड़े बड़े जो दांत हैं उसके सफेद दांत जो हैं उसके क्लॉज मतलब कि उसके जो नाखून जो हैं बड़े बड़े उनको देखते हुए उनको लोगों को दिखाना चाहिए था बेयरिंग मतलब होता है कि उनको दिखाना तो दिखाते हुए उसे लोगों को वहां गांव के जो लोग थे उन्हें डराना था टेरराइज करना मतलब डराना था तो इस वक्त उन्हें टाइगर को उन सबको डराते हुए वहां पर घूमना था लेकिन अभी कहाँ है वो टाइगर वो तो एक पिंजरे में बंद है बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज इग्नोरिंग विजिटर्स तो लेकिन वो है कहाँ अभी तो एक्चुअली में वो एक कॉन्क्रीट सेल में तो वो एक बहुत ही छोटे से चिड़ियाघर के बहुत छोटे से सेल में बहुत छोटे से केज में बहुत छोटे से पिंजरे में बंद है वो और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी जितनी भी शक्ति है वो सारी पिंजरे की इन दीवारों के पीछे पिंजरे की इन सलाखों के पीछे बंद है और जो अभी जो है वो केज की के जितनी भी लेंथ है थोड़ी बहुत जितनी भी लेंथ है बस वहीं पर वो घूम रहा है और बहुत ही अनहैप्पी है वो इतना ज्यादा अभी नाखुश है अपनी स्थिति से कि वो जो विजिटर्स आ रहे हैं उनकी तरफ देख तक नहीं रहे हैं उन्हें इग्नोर कर रहा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेज विद हिज ब्रिलियंट आईज एट ब्रिलियंट स्टार्स तो रात को वो क्या करता है रात को जब फाइनली रात को जब जो पेट्रोलिंग कार्स जो वहां पर घूमती हैं एक बार चेक करने के लिए कि चिड़ियाघर से सब निकल गए कि नहीं निकल गए और बंद करने का जब समय आ जाता है तो फाइनली वो उन आवाजों को सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की आवाजों को को सुनता है और फिर वो आकाश की तरफ देखता है अपनी ब्रिलियंट आइज ब्रिलियंट आइज का मतलब है कि चमकती हुई आंखों से वो आकाश की तरफ देखता है ब्रिलियंट स्टार्स चमकते हुए स्टार्स की तरफ मानो कि ऐसा लग रहा हो कि वो इस कैद से छूटने का सपना देख रहा हो वो आसमान की तरफ खुले आसमान की तरफ देखकर ये सोच रहा हो कि काश मैं कब यहाँ से निकलूं और एक आजाद एक आजाद बींग की तरह लिविंग बींग की तरह मैं रह पाऊं तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो ये ड्रीम कर रहा है तो यही डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर भी समझाया गया है अगर कोई भी आपको डाउट है ये पढ़ने में तो आप जरूर कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं फाइनली इस पोयम का जो मेन थॉट है वो यही है कि एनिमल्स आर फ्री बींग्स एंड मस्ट नॉट बी कैप्ट इन कैप्टिविटी जैसे हमें कोई अगर बांध के रखते या बंद करके रख दे कमरे में हमें अच्छा नहीं लगता वैसे ही एनिमल्स भी हमारी तरह फ्रीडम के उतने ही हकदार हैं जितने हम हैं और उन्हें बिल्कुल भी कैप्टिविटी में उन्हें बिल्कुल भी किसी अम्म कहीं पर भी बंद करके नहीं रखा जाना चाहिए तो इसलिए अगर आप चिड़ियाघर जा रहे हैं या कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं तो आपको ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि वहां पर जो एनिमल्स हैं वो एक्चुअली में वहां खुश नहीं है और उन्हें वहां नहीं रखना चाहिए अब देख लेते हैं इस पोयम पे बेस्ड आपके कौन से क्वेश्चन हैं तो पहला क्वेश्चन है आपका द टाइगर इज इन दू इन स्टैंडा वन फोर एंड फाइव वेयर इज ही इन स्टैंडा टू एंड थ्री तो स्टैंडा वन फोर और 5 में तो टाइगर जो है इसमें जो है टाइगर uh, जो है वो जू में है लेकिन स्टैंडा टू और थ्री में कहां पर है वो तो आप इमेजिन कर सकते हैं आप गेस्ट कर सकते हैं तो आप यहां पर आंसर लिखेंगे कि मैं आपके लिए आंसर यहां पर लिख देती हूँ जल्दी से इन स्टैंडा टू एंड थ्री द टाइगर इज इन द वाइल्ड फॉरेस्ट जहां उसका घर है वहीं पर वो होने के यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहा है सपने देख रहा है यही आपका आंसर वन है अगले चल आग, आगे चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे तो सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि द फॉरेस्ट इज द डैश ऑफ द टाइगर फॉरेस्ट क्या है टाइगर का हैबिटेट है या रेजिडेंस है तो उसका कोई मकान नहीं है फॉरेस्ट बल्कि हैबिटेट है वो ओरिजिनली वहीं रहता है जंगल में ही रहता है फिर नेक्स्ट ये आपका द फ्यू स्टेप्स इन स्टैंसा वन सजेस्ट दैट द केज इज डैश तो स्टैंसा वन में जब लिखा हुआ है कि वो टाइगर जो है द फ्यू स्टेप्स ऑफ़ इस केज तो उसके केज में चलने के लिए कुछ ही कदम वो चल पा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसका पिंजरा बड़ा है या छोटा है ऑब्वियसली तो क्योंकि वो छोटा ही कुछ ही कदम चल पा रहा है तो उसका केज जो है बहुत ही छोटा है उसके पास जगह ही नहीं है कि वो इतना आराम से चल सके और घूम सके अगला क्वेश्चन है आपका द वर्ड रेज इन स्टैंडा वन शोज दैट द टाइगर इज एंग्री वाई इज ही एंग्री तो पहले स्टैंडा में वर्ड रेज रेज का मतलब होता है गुस्सा तो वो दिखाता है कि टाइगर जो है बहुत ही गुस्से में है टाइगर गुस्से में क्यों है तो आंसर फोर आपका यही आएगा कि टाइगर इसलिए गुस्सा है क्योंकि ही इज हेल्ड इन कैप्टिविटी इन अ केज इन अ जू तो वो चिड़ियाघर के एक पिंजरे में उसे बंद करके रखा गया है इसीलिए ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और ऑब्वियस है अगर हमें भी रखा जाए तो बिल्कुल हमें भी बहुत ही गुस्सा आएगा अभी देखिए ना लॉकडाउन में कैसे बंद करके रखा है तो सभी कितने ज्यादा इरिटेटेड हो रहे हैं सोचिए कि जब टाइगर या कोई भी एनिमल को ऐसे रखा जाता है तो उन्हें कैसा लगेगा चलते हैं आप क्वेश्चन फाइव की तरफ क्वेश्चन फाइव आपका कहता है वाई इज द टाइगर क्वाइट चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइगर जो है वो चुप क्यों है बहुत शांत है गुस्से में है लेकिन फिर भी शांत है क्यों तो ऑप्शन वन है ही कांट शो हिज एंगर एज ही इज कॉट इन अ केज वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता क्योंकि वो पिंजरे में बंद है सेकंड है ही इज नॉट इन अ मूड टू रिएक्ट उसका मूड ही नहीं है कि वो कुछ रिएक्ट करे ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्यों क्योंकि वो पिंजरे में अभी बंद है इसलिए वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता है तो चलते हैं क्वेश्चन सिक्स पर द पोएट यूजेस द वर्ड शुड टू डिस्क्राइब व टाइगर यूजली डज राइट ऑल द थिंग्स ही शुड बी डूइंग तो यहाँ पर पोएट जो है वो बताता है कि टाइगर को क्या क्या करना चाहिए ये दिखाने के लिए कि वो क्या क्या जनरली भी करता है तो यहाँ पर आपको लिखना है टाइगर को क्या क्या करना चाहिए तो एग्जाम्पल आपको दिया गया है द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास तो इसके अलावा और क्या क्या टाइगर को करना चाहिए वो आपको यहाँ लिखना है इसका आंसर लिख सकते हैं कि टाइगर को क्या क्या करना चाहिए तो टाइगर जो है उसको ही शुड बी लिविंग इन अ वाइल्ड फॉरेस्ट एंड कैचिंग हिज प्रे तो उसको अभी यहाँ केज में बंद नहीं होना चाहिए बल्कि उसे अपना प्रे जो है मतलब प्रे का मतलब होता है उतना उसे अपना शिकार पकड़ना चाहिए उसको विलेजेस को डराना चाहिए बिकॉज दैट्स वॉट हिज नेचर इज ये हमारा जो प्रकृति है हमारा जो नेचर है ये एक तरह से डिजाइन किया गया है और ये टाइगर का धर्म है कि वो ऐसा करे उसका सरवाइवल ही ऐसे होगा तो ये उसका काम है करना तो उसी हिसाब से टाइगर को ये सब करना चाहिए द टाइगर शुड बी स्विमिंग इन वॉटर बॉडी इन अ फॉरेस्ट उसको वहां पर फॉरेस्ट में होना चाहिए जंगल में स्विम करते हुए होना चाहिए और अबब ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट द टाइगर शुड बी फ्री तो आप ये सभी कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन सिक्स के आंसर में अब चलते हैं आपके क्वेश्चन सेवन पर वर्ड स्लाइडिंग इन स्टैंडा टू मीन्स तो जब हम बोलते हैं कि अहा पर स्टैंडा टू में लिखा है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास तो यहाँ पर स्लाइडिंग का क्या मतलब है ऑप्शन ए है पासिंग विदाउट बींग सीन मतलब की दिखे बिना आप चुपचाप से साइड से खिसक गए या फिर कमिंग डाउन अ स्लाइड जो आपका झूला होता है फिसलने वाला झूला होता है उसपे से नीचे उतरना तो ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब वो शिकार पर निकलता है तो वो स्लाइड करता है ग्रास में से सो तो साइड में से बिल्कुल चुपचाप बिना दिखे वो निकल जाता है द वॉटर होल इन स्टैंडा टू इज अ वॉटर बॉडी कैन यू गेस वॉट इट इज रेडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में समझा चुकी हूँ वाटर होल क्या होता है तो बस आपको वही लिखना है कि वाटर होल क्या होता है जो मैंने यहाँ पर आपको आंसर भी लिख दिया है तो आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नाइन पर क्वेश्चन नाइन आपका कहता है द टाइगर प्रेज अपॉन द डियर लायन अनादर टाइगर इन द फॉरेस्ट तो टाइगर क्या खाता है upon मतलब कि किसका शिकार करता है डियर का मतलब हिरण का शिकार करता है शेर का शिकार करता है या दूसरे चीते का शिकार करता है तो, obviously वो का, का शिकार करता है. तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लिखेंगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पर गिव टू रीजन फॉर द विलेजर्स बींग्स केर्ड ऑफ द टाइगर तो कौन से ऐसे दो रीजन है जिनकी वजह से गाँव के जो लोग हैं उन्हें टाइगर से चीते से डरना चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि

साथ में समूह में नहीं है तो वो उन पर भी अटैक कर सकता है तो इसीलिए विलेजर्स को गांव वाले लोगों को उससे डरना चाहिए तो आज की आपकी इंग्लिश में वर्कशीट में इंग्लिश की वर्कशीट में इतना ही है ये आगे भी कंटिन्यू होगी यहाँ लिखा है टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीक तो आगे देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या होगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे जरूर पूछिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से वीडियो देखिए और अच्छे से ये पढ़ाई कीजिए थैंक यू